और यूक्रेन डॉनबास में एक दूसरे को हराने के दावे कर रहे हैं, लेकिन अब दक्षिणी यूक्रेन में बहुत ही खूनी जंग चल रही है और इस वक्त ये इलाका युद्ध का सबसे बड़ा सेंटर बन चुका है। यहां रोज सैकड़ों सैनिक मारे जा रहे हैं। पुतिन को जिता रहा है तीसरा युद्ध। पांच सौ साठ दिनों से ज्यादा की जंग के बाद रूस ने उन इलाकों को भी जीतना शुरू कर दिया है जहां रूसी सेना की पकड़ काफी कमजोर मानी जा रही थी। पिछले एक हफ्ते से यूक्रेनी सेना दुनिया भर में हवा बना रही है कि 4 जून 2023 से शुरू हुआ यूक्रेन का काउंटर अटैक अब रूस पर बहुत तेज हो चुका है। यूक्रेन के टॉप कमांडर तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि उन्होंने रूस की पहली रक्षा पंक्ति को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है और दूसरी और तीसरी रक्षा पंक्ति पर यूक्रेनी सेना भयानक हमले कर रही है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि पिछले 48 घंटे में रूसी सेना ने ऐसा भीषण हमला किया है कि अब यूक्रेन को पूर्वी यूक्रेन के साथ साथ दक्षिणी यूक्रेन के भी खोने का खतरा पैदा हो गया है। हम आपको आगे बताएंगे कि यूक्रेनी सेना ने दक्षिणी यूक्रेन के किन किन इलाकों में यूक्रेनी सेना और उनके घातक हथियारों के चीथड़े उड़ाए हैं। दक्षिणी यूक्रेन हार रहे हैं ज़ेलेंस्की। 18 महीने से ज्यादा की जंग में यूक्रेन ने पहली रक्षा पंक्ति को भेद कर दूसरी और तीसरी रक्षा पंक्ति पर हमला करने का दावा किया है, लेकिन इस चक्कर में यूक्रेनी सेना रूस के तीसरे मोर्चे में बुरी तरह से फंस गई है। वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी यूक्रेन में यूक्रेनी सेना रूस की दूसरी और तीसरी रक्षा पंक्ति के बीच फंस कर रह गई है। अब ना तो यूक्रेन की सेना पीछे आ सकती है और ना ही तीसरी रक्षा पंक्ति को तोड़कर रूसी सेना पर हमला कर पा रही है। यूक्रेन की जीत के दावों की पोल खोलने वाले अमेरिका के पूर्व बख्तरबंद कोर के अधिकारी कर्नल डगलस मैकग्रेगर ने तो यहां तक कह दिया है कि यूक्रेन रूस से जंग हार रहा है। हम आपको इस पर पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। तीन मोर्चों पर सबसे भीषण जंग। अब आप ये जान लीजिए पिछले 48 घंटे में रूस ने दक्षिणी यूक्रेन में यूक्रेनी सेना को कहां कहां भारी नुकसान पहुंचाया है। ये वो इलाके हैं जहां रूसी सेना को कमजोर समझा जा रहा था। ये वो इलाके हैं जहां यूक्रेनी सेना दावा कर रही है कि उसने रूसी सेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की सेना ने दक्षिणी यूक्रेन में यूक्रेन के काउंटर अटैक के खिलाफ जबरदस्त कमबैक किया है। रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के लिसिचांस्क की दिशा में यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को तबाह और बर्बाद करने का दावा किया है। रूस की दूसरी सेना कोर के तोपखानों ने यूक्रेनी ठिकानों पर तीन तरफ से हमले किए हैं। एक घंटे में 300 तोपों से लगभग 5000 गोले दक्षिणी यूक्रेन के लिसिचांस्क में दागे गए हैं। रूस का दावा है कि रूसी तोपखाने के हमले में कम से कम यूक्रेन के 80 सैन्य ठिकाने तबाह हुए हैं, जिसमें 250 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। रूस का तो यहां तक दावा है कि ज़ापोरिज़्या में यूक्रेनी टैंक जमकर तबाह हुए हैं। ज़ापोरिज़्या में यूक्रेन को नाटो से मिले कई टैंकों के तबाह होने का भी दावा किया गया है। 20 августа завершил работу Международный военно-технический форум «Армия 2020». 41 высокого уровня, а также представители 6 международных организаций посетили более миллиона человек. Киевский режим, несмотря на колоссальные потери, уже третий месяц пытается вести так называемое контрнаступление. Ни на одном из направлений вооруженные силы Украины своих... दावा किया जा रहा है पुतिन को जिता रहा है तीसरा युद्ध। यूक्रेन की थल सेना के सर्वोच्च कमांडर कर्नल जनरल ओलेक्जेंडर सेरेस्की 4 जून से शुरू हुए यूक्रेन के काउंटर अटैक को लेकर शुरू से ही बेहद आक्रामक रहे हैं। ज़ेलेंस्की को बार बार जनरल ओलेक्जेंडर सेरेस्की ने भरोसा दिलाया था कि गर्मियों तक चलने वाला यूक्रेन का काउंटर अटैक रूसी सेना के ताबूत में कील साबित होगी, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन के काउंटर अटैक के जवाब में रूस यूक्रेन पर काउंटर जीत हासिल करता जा रहा है।
रूस के रक्षा मंत्री ने जून से अब तक यूक्रेन के काउंटर अटैक पर जीत का किस तरह से दावा किया है जरा देख लीजिए। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के मुताबिक इस वक्त दक्षिणी यूक्रेन का ज़ापोरिज़्या इलाका युद्ध का केंद्र बन चुका है। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का दावा है कि दक्षिण में हारते यूक्रेन ने मजबूरी में अपनी रिजर्व ब्रिगेड को जंग में उतारना शुरू कर दिया है। ये यूक्रेन की वो रिजर्व ब्रिगेड है जिसके सैनिक पश्चिमी देशों से ट्रेनिंग लेकर जंग में उतरे हैं। शोइगु ने दावा किया कि जून में जवाबी कार्रवाई शुरू करने के बाद से यूक्रेन के 66,000 सैनिक मारे गए हैं, जबकि रूस के तोप, टैंक और रॉकेट आर्मी के प्रचंड हमले में यूक्रेन के 7600 से अधिक सैन्य उपकरण और हथियार तबाह हो चुके हैं। हालांकि अभी भी यूक्रेन यही दावा कर रहा है कि यूक्रेन के काउंटर अटैक ने रूस से कई इलाकों को छीन लिया है, खास तौर से दक्षिणी यूक्रेन में ज़ेलेंस्की जीत के दावे कर रहे हैं, जबकि यूक्रेन के जनरल ओलेक्जेंडर सेरेस्की दूसरी तरफ चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि रूस ने दक्षिण यूक्रेन के साथ साथ पूर्वी यूक्रेन में भीषण हमले की जबरदस्त तैयारी कर चुका है। ऐसे में यूक्रेन के इन दावों पर कैसे भरोसा किया जाए कि 560 से ज्यादा की जंग में यूक्रेन ने रूस के 266,000 से ज्यादा सैनिकों को मार डाला है। Кожен є Україна, з якими я говорю в кабінеті, бачите, як Україна пишається своїми людьми. Подякував бойовим медикам, нашим лікарям, дуже важливо. Велика гордість наші воїни, які після поранень повертаються на позиції до своїх побратимів. Всі запити від воїнів будуть у вищих генералів, урядовців, у наших міжнародників. Буде нове постачання, дуже важливо, буде нове виробництво нашої зброї, окреслили з воїнами кілька пріоритетних позицій. Те, що треба зробити, зробимо. Тим мурчо пар сабзе бішанча. ऐसा नहीं है कि रूस ही अपनी जीत के दावे कर रहा है। अब तो अमेरिका के पूर्व कमांडर डगलस ने भी दावा किया है कि पश्चिमी मीडिया रूस की जीत को छिपा रहा है और यूक्रेन की जीत के झूठे दावे कर रहा है। हकीकत यही है कि रूस यूक्रेन पर हर मोर्चे पर भारी पड़ता जा रहा है। इस वक्त यूक्रेन 3 मोर्चों पर घिरा हुआ है। ये वही मोर्चे हैं जहां पर यूक्रेन सबसे ज्यादा नाटो से मिले हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। ये वही मोर्चे हैं जहां यूक्रेनी सेना रूसी सेना के खिलाफ 600 तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। पश्चिमी मीडिया भी डंके की चोट पर दावा कर रही है कि रूस अब जंग में यूक्रेन से हारने लगा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन और नाटो के 31 देशों की पोल खुद अमेरिका के टॉप पूर्व सैन्य अधिकारी ने खोल दी है। इस अमेरिकी अधिकारी ने यहां तक दावा किया है कि यूक्रेन छोड़िए, अमेरिका और नाटो मिलकर भी रूस को जंग नहीं हरा पाएंगे। जरा देखिए क्या कह रहे हैं अमेरिका के पूर्व बख्तरबंद कोर के अधिकारी कर्नल डगलस मैकग्रेगर। अब बात ज़ेलेंस्की के